हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ व्हाइट टी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। यदि आप वज़न घटाने के लिए ग्रीन टी पीते हो तो उसके बदले आप व्हाइट टी पिएं, क्योंकि ग्रीन टी की तुलना में ये काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। उस ग्रीन टी की तुलना में इसमें काफ़ी कम कैफीन होता है और काफ़ी अधिक एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारे को कई रोगों से बचाते हैं। कैंसर जैसी बीमारी से लड़ने के लिए भी एंटीऑक्सीडेंट्स काफ़ी फायदेमंद होते हैं, इसलिए आप इसमें स्विच कर सकते हो ग्रीन टी की तुलना में, या फिर कोई भी और हर्बल टी यदि आप पीते हो तो। इसके अलावा हार्ट के पेशेंट भी इसको पी सकते हैं और शुगर जिसको है वो लोग भी इसको पी सकते हैं, उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद है। और वज़न तो घटाती है ये वाली चाय, ग्रीन टी की तुलना में अधिक वज़न घटाने में ये फ़ायदेमंद है और बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं, तो अभी आप इसके बारे में और भी पढ़ सकते हो। तो इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने चलना है बनाने के प्रोसेस में। इसके लिए एक बर्तन लेना है हमने और उसमें डाल देंगे पानी। पानी जितना ही हमको चाय बनानी है उतना पानी हम इसमें डालेंगे, क्योंकि अधिक हमको पानी को नहीं पकाना होता है, इसलिए उतना ही डालें तो सही रहता है। और ये पत्तियाँ हैं और इन पत्तियों को हमने पानी बॉईल करके गैस बंद कर देनी है और उसके बाद हमने इस पत्तियों को डालना है। गैस बंद कर चुकी हूँ, अब हम इसमें पत्तियाँ डाल देंगे और इसको चला देंगे थोड़ा सा, और इसमें लिड लगा के इसको ऐसे ही रहने देंगे एक मिनट के लिए। गैस बंद है क्योंकि इसको पकाना नहीं होता, पकाएंगे तो फिर ये जो ब्लैक टी होती है उसी की तरह इसका फ़ायदे होंगे, क्योंकि ब्लैक टी जो होती है जिसकी हम दूध वाली चाय भी बना लेते हैं, वो वाली टी भी सेम इसी कैमेलिया साइनेंसिस नाम के पौधे की पत्तियाँ ही होती हैं। ये भी उसी की पत्तियाँ होती हैं, वो भी, बस अलग अलग प्रोसेस की वजह से इसके फ़ायदे और नुकसान हैं। इसको कम प्रोसेस किया जाता है और इसके लिए कुछ अलग तरह की पत्तियों का चुनाव होता है, इसलिए ये ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। इसलिए हम यदि इसको ज़्यादा पकाते हैं तो इसके फिर इसके फ़ायदे कम हो जाते हैं, इसलिए गर्म पानी में इसको डालें, इसको पकाएं ना, इस बात का ध्यान रखें। एक मिनट हमने ऐसे रहने दिया, उसके बाद छान लिया। देखिए काफ़ी अच्छा कलर इसका आया है और ये कम कड़वी होती है ग्रीन टी की तुलना में, ग्रीन टी और ब्लैक टी की तुलना में काफ़ी कम कड़वी होती है। कैसी लगी रेसिपी कमेंट करके बताइएगा। अच्छी लगती है तो औरों के साथ भी शेयर करिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।